हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो पहले बहुत बड़े धुरंधरों ने इसका रिकमेंडेशन किया था एज ए फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है और उसके बाद स्टॉक चला भी है। आज के डेट में करीब 30% के आसपास स्टॉक डाउन चल रहा है, तो इस स्टॉक के ऊपर आपको ईगल आई रखना चाहिए, आपकी नज़र इसके ऊपर होनी चाहिए। और इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कंपनी बी ग्रुप के अंदर लिस्टेड है और इसका फेस वैल्यू 1 है। कंपनी आप कह सकते हो केमिकल प्लस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है और इंडिया एंड इंटरनेशनली इसको सेल करती है। और आप कह सकते हो केमिकल सेगमेंट, इंजीनियरिंग सेगमेंट, पेन सेगमेंट, लुब्रिकेंट सेगमेंट प्लस मोल सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपनी बनाती है, प्लस डिफरेंट वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ ऑयल भी बनाती है, जैसे कि गियर ऑयल हो गया। अगर मन को किसी को हीटिंग ऑयल के लिए भी ऑयल चाहिए तो उसका भी ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल भी बनाती है। प्लस कंपनी क्या करती है, टर्नकी प्रोजेक्ट भी लेती है। अगर मन को किसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लास्टिंग का अगर प्रोजेक्ट करवाना है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अगर प्रोजेक्ट करवाना है तो इसका भी कंपनी प्रोजेक्ट लेती है। इन एडिशन टू दैट कंपनी क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग भी बनाती है। जो कोटिंग आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हो गया, मरीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कोटिंग लगते हैं उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्लस शॉपिंग मॉल जो हमने मैंने आपको पहले बताया, कंपनी का शॉपिंग मॉल के अंदर भी बिजनेस है। तो देखते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसे मैंने बी ग्रुप लिस्टेड इन BSE सेक्टर केमिकल SRM में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। ऑलरेडी इसका 52 वीक जो लो है वो 37 था और हाई था वो 85 था। तो यह है इस कंपनी का नाम, ग्रेवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का फाउंडेशन 1957 के अंदर, और ये मैंने ऑलरेडी आप सबको बताई दिया है, आप इसमें पढ़ सकते हो दोस्तों। और डिफरेंट डिफरेंट ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पूरा। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर इस कंपनी का स्टॉक का क्या है व्यू। तो स्टॉक के ऊपर देखो, यहाँ पे एक बार 51 से ये हल्का सा यहाँ पे दो बार सपोर्ट लेके 55 के आसपास, सॉरी ये वापस बाउंस हुआ था 67 तक, वापस ये नीचे आया, तो अभी वापस 61 के 59-60 के आसपास ये चल रहा है। जब इसको तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 कई बार 61 पे सपोर्ट लिया, जब इसको ये रेजिस्टेंस है अभी, जब इसको तोड़ेगा तो ये 67 आना चाहिए, क्योंकि 67 भी अगेन एक रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 चार बार इसने इसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन तोड़ा नहीं, इसकी वजह से नीचे आ गया था। तो अगर ये तोड़ता है तो 67 आना चाहिए, उसके बाद सीधा ये 74 जाएगा। तो चार्ट के ऊपर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक अभी एक रेंज के अंदर, दो रेंज के अंदर ही घूम रहा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट, मार्च 2018 का जो लेटेस्ट रिजल्ट है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट ईयर एंड की बात करें तो जो 47 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 50 करोड़ हुआ, और अगर प्रॉफिट की बात करें 5.4 करोड़ से सीधा 6.38 करोड़ हुआ करीब करीब, और EPS 2.39 से 2.81। लेकिन अगर हम स्टैंडलोन रिजल्ट की बात करें वो भी क्वार्टर एंड के अंदर, तो रेवेन्यू में जो 1373 लैक्स था वो हो गया 14830, मतलब ज़्यादा बढ़ावा नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम काउंट करें, जो पहले 1802 लैक्स था वो हो गया 1358 लैक्स, मतलब अच्छा खासा डाउन हुआ, क्योंकि मटेरियल कंजप्शन जो का जो कॉस्ट था वो यहाँ पे बढ़ गया। पहले था 675 लैक्स, वो हो गया 8912। इन एडिशन अब देख सो अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ है, जो 2851 था वो हो गया 2871, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखो तो 11.83 करोड़ से सीधा 5.65 करोड़, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन हुआ है, और EPS भी 0.52 से 0.25 हो गया। मतलब स्टॉक अभी लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम आगे के अगर क्वार्टर का एक रिव्यू करें तो आप देख सकते हो, तो रेवेन्यू जो दिसंबर 2016 में 112 करोड़ हुआ था, उसके बाद 124 करोड़ आया, 117, 111 और 126 करोड़। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 10.82, 12.81, 22 और 20 करोड़, मतलब ठीक है, प्रॉफिट अच्छा खासा चार क्वार्टर में बढ़ाई है यहाँ पे। अगर हम OPM की बात करें तो 16.47, 18.99, 27.84 और 24.95, मतलब करीब करीब 20% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चार क्वार्टर में मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 8.67, 10.93, 19.68 और 15.83, करीब 15% के आसपास, 12 से 15% के आसपास NPM है, अच्छा है। मतलब अब देखते हैं इसका ईयरली क्या है। 2013 में जो रेवेन्यू था वो 335 करोड़ था और आज के डेट में 433 करोड़ है। रेवेन्यू आप देखो हर साल बढ़ रहा है, 335 करोड़, 385 करोड़, 416 करोड़, 422 करोड़, 432 करोड़। देखते हैं प्रॉफिट 19.8,
30.8, 33.19, 39.05 एंड 51.25। हर साल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्ट अगर आप देखो यहाँ पे 2013 के अंदर 21 करोड़ था, आज की डेट में करीब करीब 6 करोड़ है। मतलब हर साल कंटिन्यूस कंपनी अपना डेप्ट डाउन कर रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या है, यहाँ पे करीब करीब 6% था, वो करीब करीब 12%, मतलब डबल हो गया। कंपनी बहुत ही अच्छा है। अगर कंपनी का ओपीएम निकालो एवरेज आप, तो 15% ओपीएम, डबल एनपीएम, कंटिन्यूस रिड्यूसिंग डेप्ट, डबल प्रॉफिट हो गया करीब 5 साल के अंदर। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो इसके ऊपर आपको ईगल आई रखनी चाहिए, एक वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए। तो ये था एक स्टॉक जो मैं अपना स्कैनर कर रहा था, तो मुझे नज़र में आया, तो मुझे लगा यार अच्छा खासा स्टॉक 30-32% के आसपास करेक्ट हुआ है, इसको आप नज़र में रखिए। ये मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, कंपनी भी अच्छा है। तो मैं बता दूँ कि मैं कोई सभी रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ, ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ना ही मैं कोई बाइक के रिकमेंडेशन आप लोगों को कर रहा हूँ। आप अपना खुद भी एक डिसीजन लीजिए, और ये जो वीडियो बना है एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बेल आइकॉन को दबाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में आपको वीडियो बना के भेजता रहूँगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।